तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये Redmi Note 13 Pro Plus 5G। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये Redmi Note 13 Pro Plus 5G का डिब्बा, और इसका वेरिएंट है 8GB 256GB का इसका वेरिएंट है, और ये ब्लू कलर में है, और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है इसमें, और IP68 का इसमें वाटर टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये पानी इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये पहले से ही अनबॉक्स था, तो मैं इसको अब अनबॉक्स कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि हमने इसको खोल के देखा था। और ये अनबॉक्स हमारा हो चुका है, और यहाँ पे कलर रेडिंग का वो आता है एक, और इसको उठा लेते हैं। ओके, तो ये हमारा फ़ोन है, ठीक है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, और इसमें देखने को मिलेगा आपको इसमें कवर, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये इसका सिम इजेक्टर टूल। ओके, तो कुछ ऐसा इसका सिम इजेक्टर टूल है, इसको नीचे रख देते हैं, और अभी ये इसको आपको कवर दिखाने वाला हूँ इसका। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। ओके, तो और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिब है, आप देख सकते हो इसको कैसे भी कर सकते हो आप इसको। तो और इसके नीचे से यहाँ पे देख सकते हो, मतलब फुल प्रोटेक्शन इसमें दी है। तो बॉक्स के अंदर हमको देखने को मिलता है 120 वाट का चार्जर, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, डिज़ाइन वाइज सोमी, और यहाँ पे इसकी केबल है। मैंने इसको पहले से ही निकाल लिया था, मैं आपको बाद में इसको दिखा रहा हूँ निकाल के। और यहाँ पे आप देख सकते हो MI का ओरिजिनल चार्जर है गाइस, और ये इतना बड़ा चार्जर है, मतलब लैपटॉप जैसा चार्जर लग रहा है मेरे को। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको फ़ोन। तो ये रहा फ़ोन, और इसके पीछे रेडमी। तो आइए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वाओ गाइस, ब्रांड न्यू रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G, और ये है इसका कैमरा, इतने बड़े बड़े कैमरे हैं इसके। और ये है इसका आगे का लुक, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, तो मैं इसमें लॉक डाल देता हूँ। ओके, तो ये अभी ओपन हो चुका है, ठीक है, अच्छे से। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से वर्किंग कर रहा है। 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है इसमें, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है इसमें। तो अब बात आती है इसके कैमरे की, तो मैं आपको कैमरा भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की थी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके पिक्सल मतलब बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, मतलब सुबह के टाइम क्लिक किया था। और ये फ़ोटो ये है जो कि मैंने सुबह के टाइम क्लिक किया था, ठीक है। और ये वीडियो है, ओके, तो ये वीडियो है जो कि मैंने ऐसे डेमो के लिए बना के देखी थी, ठीक है इसमें। तो अभी इसमें कैमरा की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 4K 30 FPS ही सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी देता है ये फ़ोन, और प्राइस के हिसाब से तो वैसे ही बढ़िया है ही। और फ़ोटो में भी काफ़ी बढ़िया फ़ोटो क्लिक करता है, 200 MP का जैसे तो मेन कैमरा है 200 MP का। पर आपको इसका BGMI टेस्ट देखना है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसको BGMI टेस्ट भी ले आऊँगा। और इसमें कर्व डिस्प्ले भी है, जैसा कि आप साइड से देख सकते हो, और ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा IR रिमोट का भी, और स्पीकर, 3 स्पीकर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें मिलेगा सिम स्लॉट, और ये इसका टाइप सी चार्जर के ऊपर टेबू है, और ये है इसके स्पीकर। तो अब मैं आपको इसकी स्पीकर की टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने इसमें सॉन्ग मंगा लिया है, ठीक है, अब मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ कोई सा ही बजा के। आवाज़ मैंने इसकी फुल कर ली है, तो वरना इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैंने इतना ही गाना इसमें बजाया था, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटअप पे था, तो तकलीफ बाय।